Resonance occurs in a series LCR circuit when the frequency of applied EMF is 1000 Hz. तो रेजोनेंस 1000 हर्ट्स पे हो रहा, यानी आपको एफ नॉट दे रखा है, ये 1000 हर्ट्स है। ए में कह रहा है व्हेन एफ इक्वल टू 900 हर्ट्स। अब आपने रेजोनेंस का ग्राफ देखा होगा, आई वर्सेस ओमेगा ग्राफ, ये कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, ठीक, ओमेगा या फिर एफ कह लो, तो यहां पे ओमेगा नॉट और एफ नॉट, तो यहीं पे रेजोनेंस होता है। इस यहां पे एक्सी इक्वल टू एक्सएल होता है। इसके आगे अगर यहां कहीं देखोगे, यानी कि अगर अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा हो गया इससे, तो उस केस में एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होता है, और अगर यहां कहीं बात करोगे तो यहां पे एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होता है। इसने कहा 900 हर्ट्ज पे क्या होगा, यानी कम की बात कर रहा, तो यहां पे एक्सी बड़ा होगा और सर्किट कैपेसिटिव हो जाएगा, ये सही है। बी, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम एट एफ इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज पे रेजोनेंस हुआ है, रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम है तो इम्पीडेंस मिनिमम होना चाहिए, ये रॉन्ग है। और सी, इफ द वैल्यू ऑफ सी इज डबल्ड, रेजोनेंस अकर्स एट एफ इक्वल टू 2000 हर्ट्ज। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 pi अंडर रूट एल सी। सी को अगर आप 2 times करोगे तो एफ नॉट 1/√2 times हो जाएगा, डबल नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है, तो ये तो रॉन्ग हो ही गया। ए राइट आंसर है।